नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर के धोरों के समीप हाईवे पर मैक्स वाहन बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, एक बच्चे की हुई मौत, करीब डेढ़ दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। उपचार के लिए फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बता दें, पुलिस जांच में जुटी है। मैक्स वाहन में करीब 30 लोग सवार बताए जा रहे हैं। उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक बुलेरो मैक्स वाहन बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 साल के मासूम बालक की मौत हुई, जबकि करीब डेढ़ दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा है थाना मक्खनपुर के घोरों के पास का। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को उपचार के लिए फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। बताया जाता है कि मैक्स वाहन में करीब 30 लोग सवार थे और मैक्स वाहन सवार नयाबास के निवासी हैं, जो उरावर गांव के त्रयोदशी में ब्रह्म भोज खाकर लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है। गाड़ी टकराई थी किसी ने, ड्राइवर की कमी है, किसी की कमी से गाड़ी टकराई थी। एक रोड पे क्रॉस, रोड से क्रॉस हो गया था गाड़ी को, क्रॉस करके पेड़ में टकराई है गाड़ी। तो किसी की मौत हुई है इसमें? इस बच्चे की मौत हो चुकी है। और कितने लोग घायल हैं? उसमें 25 लोग घायल हैं। ये बच्चा खत्म हो चुका है।